नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और ड्रग्स बनाने वाला कंपनी के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बनाते रहता हूँ। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, सिप्ला। तो सिप्ला इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस कंपनी ने आज के दिन रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया, और इस हाई के पीछे कौन सा रीजन है और हाई कितना सस्टेनेबल हाई है उसके बारे में भी बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है और इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक जरूर चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शंस में, तो आप उसका भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के सिप्ला कंपनी के बारे में। सबसे पहली बात, आज जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो फिलहाल के देखा जाए उतना खास मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ही कुछ परफॉर्मेंस चलते आया है। और तो यहाँ पे देखा जाए तो आज के दिन निफ्टी जो 50 शेयर्स होते हैं उनमें जो टॉप टॉप 5 कंपनीज होते हैं उनमें से आज के दिन जिस कंपनी का नाम आ चुके हैं वो है सिप्ला। आप खुद ही देख लीजिए, आज के दिन 25 एडवांस है और 25 डिक्लाइन है। तो देखिए यहाँ पे जो एडवांस के नाम में सबसे ऊपर है वो है सिप्ला, उसके बाद सनफार्मा इंडिया का फर्स्ट नंबर कंपनी है, मतलब इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है, और सेकंड है सिप्ला। और दोनों ही आज के दिन 52 वीक का हाई भी अचीव किया, आप खुद ही जाकर आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिप्ला जो है वो इंडिया का आज के दिन फर्स्ट नंबर रैंकिंग है, और 52 वीक का हाई अचीव होने के बाद इस कलर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, सनफार्मा भी सेकंड लार्जेस्ट सॉरी फर्स्ट इंडिया का नंबर वन पोजीशन कंपनी है, और ये भी देखिए आज के दिन 900 के रेंज मतलब 52 का हाई अचीव किया। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतना क्यों भाग रहा है, तो देखिए आप उससे पहले कंपनी का डिटेल्स देख लीजिए। देखिए कंपनी आज के दिन यहाँ पे डेट देख लीजिए 11 मार्च, मतलब आज के दिन ही कंपनी 1040 इसका हाई किया, और मतलब लो कब किया था, एक साल पहले 19 मार्च में 738 इस लेवल में लो किया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी हाई भी किया था और लो भी किया था, और इस हाई लो के मतलब ड्यूरेशन में देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिया, और देखा जाए करीबन करीबन एक साल में करीबन 27% तक रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। तो खराब परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो फिलहाल का जो सीनरी है, आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, अभी यह परसेंटेज अभी दिया गया नहीं है। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो क्यों कंपनी आज के दिन तेजी देखने को मिला, तो चलो मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड इस वेबसाइट के माध्यम से आपको न्यूज पब्लिश किया गया है, तो न्यूज कौन सा है वो देख लीजिए। सिप्ला गेन 3%, ऑब्वियसली 3% से भी ज्यादा है, आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिये जब न्यूज पब्लिश किया गया था तब 3% था, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी करीबन 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला, एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला था। तो आज के दिन तो हमारा जो फ्यूचर का ग्रुप है उसमें सिप्ला का बाइंग था, बहुत शानदार यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग दिया है, तो आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे लेवल में बहुत सारे कॉल्स मिलता रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा सिप्ला के बारे में, तो सिप्ला के 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए 5 दिन में किस तरीके से रैली देखने को मिला, करीबन करीबन 12% तक, और 1 मंथ में कंपनी प्रॉफिट दिया 8% तक, और 6 मंथ में कंपनी 9% तक प्रॉफिट दिया। देखिए कंपनी इस खराब सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, तो उस वार में हर इंडस्ट्रीज में हर कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, फिर भी देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमेशा पॉजिटिविटी रहता है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई खराब सिचुएशन हो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमेशा बिजनेस चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर अगर मान के चलिए वार हो रहा है मतलब बहुत सारे मेडिसिन और दवाइयाँ और ड्रग्स वहां पे सप्लाई करना पड़ता है, और दूसरी बात कोरोना के जैसे मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाता है तब भी मार्केट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट लगते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होते हैं।
कंपनी एक साल में देखेंगे तो करीबन करीबन यहाँ पे 28% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, और 5 साल में करीबन आपको 73% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो मैक्सिमम में देखिए कितना शानदार इस कंपनी का रैली है। हाँ, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है, ये मैं जरूर कहूंगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस तरीके से वोलाटिलिटी हमेशा रहेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ड्रग्स के ऊपर चलते हैं, मेडिसिन के ऊपर चलते हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स ज्यादातर मतलब पॉसिबिलिटी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के इशू से कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत प्रेशर भी क्रिएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का करीबन 4,500% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। तो यहाँ पे जो न्यूज कंपनी ने पब्लिश किया, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी ने 52 वीक का हाई फिर से अचीव किया, 52 वीक का हाई अचीव किया। तो देखिए 52 वीक का हाई अचीव करना ऑब्वियसली कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए कंपनी एक अपटेन मूवमेंट में है। देखिए हर कंपनी हमेशा अपटेन में नहीं रहता, कभी भी गिरावट भी होते हैं, फिर से कभी साइड बेसिस पैटर्न में भी चलते रहते हैं, और कभी फिर से अपटेन होते हैं। तो जो कंपनी देखिए, यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में ही बता दूं, देखिए कंपनी यहाँ पे साइड बेसिस पैटर्न फिर से एक आप, फिर से साइड बेसिस, फिर से आप, फिर से साइड बेसिस, फिर से आप, फिर से गिरावट, उसके बाद देखिए जंप। तो मतलब कंपनी इस तरीके से ही काम करते हैं। आप कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न इसीलिए मैं देखने के लिए बोलता हूँ कि कंपनी हमेशा डाउन होने के बाद कितना अप हो रहा है, उससे ज्यादा क्या क्या ब्रेकआउट कर रहे हैं कि फिर से वो डाउन हो रहा है, तो इस बात को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं टोटली अपटेन जैसा ही परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। तो अभी कंपनी के देखिए यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जो सिप्ला है, सिप्ला ने देखिए सिप्ला शेयर हैज रिकॉर्ड ब्रेक हाई, तो 1000 मतलब 1000 के ऊपर भी आज के दिन क्रॉसिंग किया, 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। और यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है वो फिलहाल के लिए 11:14 का रिपोर्ट है, तो इसलिए 3% यहाँ पे दिखा रहा है। तो रिपोर्ट कुछ भी हो, आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने ही है। तो इस सिप्ला कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, उसका कारण आप सभी जानते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो वार मतलब चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसके लिए बहुत सारे मेडिकल्स और ड्रग्स के जरूरत पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे खुद देख लीजिए कंपनी क्या बता रहा है। इट द लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज द स्टॉक हैज रिलीज सॉरी रैलीड 10% आफ्टर द कंपनी ऑन फेब्रुअरी 27 के बाद कंपनी 10% से भी ज्यादा जाम देखने को मिला। अनाउंस दैट इट हैज रिसीव एन अप्रूवल फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी के ऊपर अप्रूवल हो चुके हैं उसका। तो इसीलिए SEC इस सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस CDSCO यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर टू कंडक्ट लोकल ट्रायल्स और एंटी कोविड-19 पिल। तो मैं पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि कंपनी एंटी पिल जो है वो उसके ऊपर कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो जो कोविड के लिए एंटी पिल बना रहे थे उसका ट्रायल अभी हो मतलब फाइनलाइज होने वाला है, तो उसका परमिशन दिया था कौन? CDSCO। तो इसीलिए मार्केट रॉकेट की तरह मतलब शेयर रॉकेट की तरह भागा, क्योंकि देखिए कोविड के पिल अगर मार्केट में आ जाते थे, आप सभी जानते हैं बहुत फास्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वेरिएंट एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। हाँ, वेरिएंट का इम्पैक्ट उतना ज्यादा मार्केट मतलब शरीर के ऊपर नहीं पड़ रहा है, फिर भी देखिए उसके लिए तो दवाई भी चाहिए ना। तो इसीलिए जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी होगा अगर यहाँ पे पील जो है वो मतलब यहाँ पे जो कोविड-19 का जो यहाँ पे देखिए पेक्सोलिव्ड जो है वो एक्चुअली एक एक मेडिसिन है, इसको कंपनी लॉन्च करने के लिए एक ट्रायल पीरियड में रखा है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मार्केट जबरदस्त भागा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जबरदस्त तेजी भागने को देखने को मिला है, साथ ही साथ सिप्ला को और भी तेजी यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में सिप्ला अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि एक सिप्ला बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि सिप्ला कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 83,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है कंपनी का, जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है, तो इसलिए इस कंपनी को आप डेप्थ फ्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.07 है। तो कंपनी का जो कंपनी का पी रेशियो 32 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 है, और EPS के बारे में बात करूँ तो ये अर्निंग पर शेयर 31.8% है।
तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 14% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। और आप जरूर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी का जो फेस वैल्यू है अभी 2 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, आप भी देख लीजिए। कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नंबर वन है सन फार्मा, इसका 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का और भी ज्यादा पैरामीटर आपको दिखा दूँ, कंपनी का जो साल भर में आपको रिटर्न दिया, 10 साल में 12%, 5 साल में 11% और 3 साल में 21% 22% तक रिटर्न आपको यहाँ पे देके आए हैं। और एक चीज में कंपनी का जो साल भर की जो रेट प्रॉफिट है वो भी देख लीजिए, साल भर कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कमाते जा रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल होल्डिंग करके रखा, प्रोमोटा 36, FIS 24, पब्लिक DIS 21 और पब्लिक 18%। तो ओवरऑल बात करूँ, हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो सिप्ला कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इसके ऊपर आपको जरूर पेशेंस के साथ बने रहना होगा। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इस कंपनी बहुत बेस्ट है। फिर भी आप स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको पता चलेगा। तो आज का जो अपडेट्स था मैं आपके सामने रख चुका हूँ, आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।